सुशांत के दोस्त रह चुके गणेश शिवाड़कर, जो सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम में अभी भी लगे हुए हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जहां पे इन्होंने किया है एक बड़ा खुलासा। गणेश शिवाड़कर ने यह बताया है कि सीबीआई को पता चल चुका है कि सुशांत के कातिल कौन है। वो सीबीआई के ऊपर नाराज तो है क्योंकि अभी 10 महीने हो चुके हैं लेकिन सुशांत के कातिलों के बारे में हमें कोई भी अपडेट अभी तक नहीं मिला। गुस्सा तो जायज है, हम सब एसएसआर केस में सीबीआई के फाइनल स्टेटमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन गणेश शिवाड़कर ने कुछ और भी बताया है। उन्होंने बताया है कि उनकी जो सोर्सेस है उनसे उनको पता चल चुका है बहुत सारी चीजें जो दिशा सालियन की मर्डर और सुशांत के मर्डर से रिलेटेड है। सुशांत और दिशा के मौत से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ चुके हैं जो वो बहुत जल्द हम लोगों से शेयर करने वाले हैं। मैं अभी आप लोगों से गणेश शिवाड़कर का वो वीडियो शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो को एंड तक देखिए और आपके क्या थॉट्स हैं मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन कीजिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। 11 महीने को होने को आ रहे हैं, 11 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक सीबीआई से ना कोई अपडेट है, ना ही कहीं से कोई जानकारी आ रही है, ना कुछ आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों को पता नहीं है, जो मैंने अपने सोर्सेस से निकाली है, जो चीजें हो चुकी है, लेकिन जिससे यह जरूर पता लगता है कि आगे क्या करने का प्लान है। जैसे दिशा के केस में पुलिस ने क्या एफआईआर दर्ज की, क्या क्या पॉइंट्स रखे, उसी उधर से गिर के उसकी मौत हुई है या उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या मर्डर हुआ है, कौन सी चीज पुलिस ने रखी है, कौन सी चीज फाइनल की है, सुशांत केस में एफआईआर में क्या लिखा था, ये सब चीजें मुंबई पुलिस की। और दिशा के बारे में कौन एजेंसी जो है सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, कौन एजेंसी जहां पे दिशा काम करती थी, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, कितने पैसे का हेर देर बाकी था, कितने काम चीजें बाकी थी, ये सब चीजें एक सोर्सेस से पता चली है, वो जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।